हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका इस पाल न्यूज़ में। और देखिए रहा है, इसमें कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहली खुराक 30 साल के व्यक्ति को दी गई है। आज ICMR और भारत बायोटेक लिमिटेड के बनाई गई वैक्सीन कोवैक्सीन का दिल्ली के एम्स में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे इस वैक्सीन की पहली खुराक 30 साल के व्यक्ति को एम्स दिल्ली में दी गई। वहीं ट्रायल के साथ ही शुक्रवार को 12 वेंटिलेटर के पहले सेट का अलग से जांच के नमूने लिए, इस वेंटिलेटर के ब्लड सैंपल और 900 फ्रिंजियल नमूना परीक्षण सहित कुछ और परीक्षण किए गए। रिपोर्ट आने के बाद 10 स्वस्थ व्यक्तियों को बताया गया कि उन्हें चरणों में टीका दिया जाएगा। पहली खुराक के बाद स्वास्थ्य स्थिति पर एक रिपोर्ट वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन एम्स के एथिक्स कमेटी को सौंपी जाएगी, जो प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। वहीं जिस व्यक्ति को ये वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, उससे सब कुछ ठीक होने पर 2 हफ्ते बाद उसका दूसरा डोज दिया जाएगा। बता दें कि ICMR और भारत बायोटेक की वैक्सीन का एम्स दिल्ली में ट्रायल होना और ट्रायल के दौरान एम्स में कुल 100 स्वस्थ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब तक। और 2 हाईलाइट क्या है यहाँ पर, प्रयागराज में कोरोना वायरस के 88 नए मामले सामने आए हैं। जिले में संक्रमण से अब तक 43 लोगों की मौत हुई है। ओके, थैंक यू।